हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ जो मारुति की बहुत जो टॉप सेलिंग कार आई हुई है, मारुति XL6। आज मैं आपको इसकी फुल डिटेल में बताऊंगा भाई इस गाड़ी के अंदर क्या क्या खूबियाँ हैं और क्या क्या कमियाँ। दोस्तों जो इसकी लाइट का डिज़ाइन दिया हुआ है वो देखने में बहुत ही प्यारा है और जो इसमें आइस क्यूब डिज़ाइन दिया हुआ है उसकी वजह से काफ़ी अच्छी लग रही है और जो इसमें आगे फ्रंट ग्रिल में क्रोम का डिज़ाइन दिया हुआ है उससे गाड़ी की खूबसूरती और ज़्यादा निखर के आई हुई है। नीचे दोस्तों आपको इसमें फोक लाइट मिल जाती है और जो इसकी ग्रिल का डिज़ाइन दिया हुआ है वो बिल्कुल यूनिक सा लग रहा है। सिल्वर फिनिशिंग मिल जाती है नीचे। आइए दोस्तों मैं आपको इसकी साइड प्रोफाइल और दिखा देता हूँ। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे होंगे जो इसमें अलॉय व्हील दिए हुए हैं डायमंड कट में, काफ़ी प्यारे और यूनिक सा डिज़ाइन दिया हुआ है इनका और 16 इंची में इसमें अलॉय व्हील मिल जाते हैं और फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक मिल जाती है और पीछे आपको ड्रम ब्रेक मिल जाता है इसमें। और दोस्तों इसमें आगे आपको सेंसर मिल जाता है जैसा कि आप देख रहे हो, क्रोम में इसमें हैंडल दिए हुए हैं, जो RVM दिए हुए हैं उसी में आपको इंडिकेटर मिल जाता है। ऊपर आपको रूफ रेल मिल जाती है, इसके ऊपर आपको सार्क एंटीना मिल जाता है। दोस्तों जो इसकी ग्राउंड क्लियरेंस दे रखी है वो भी काफ़ी अच्छी दे रखी है। नीचे आपको सिल्वर फिनिशिंग मिल जाती है। दोस्तों पीछे आपको सार्क एंटीना मिल जाता है, यहाँ पे डिफोगर मिल जाता है, यहाँ आपको वाइपर मिल जाता है, पीछे आपको ब्रेक लाइट मिल जाती है। जो इसको इसकी लाइट दी हुई है पीछे उसका डिज़ाइन देखने में बहुत ही प्यारा है, ब्लैक और रेड का कम्बिनेशन काफ़ी अच्छा है। पीछे आपको जो पियानो फिनिशिंग मिल जाती है गाड़ी में काफ़ी अच्छी लग रही है और इसके ऊपर ये मारुति का लोगो काफ़ी सुंदर दिखाई दे रहा है। पीछे आपको XL6 की बैजिंग मिल जाती है, पीछे आपको 4 सेंसर मिल जाते हैं। और दोस्तों जो इसकी स्टेपनी का टायर दिया हुआ नीचे दिया हुआ है। आइए दोस्तों मैं आपको जो इसकी CNG की फिटिंग कर रखी है वो काफ़ी अच्छी कर रखी है, जैसा कि आप देख रहे हो बिल्कुल बॉक्स के अंदर अच्छी तरह वो कर रखा है और जो इसमें बूट स्पेस है वो भी काफ़ी अच्छा दिया हुआ है। दोस्तों साइड में आपको फ्यूल टैंक मिल जाता है, यहीं से आप CNG फिल करवा सकते हैं इसके अंदर। और दोस्तों जो इसमें साइड प्रोफाइल दी हुई है, इसमें जो पियानो ब्लैक दिया हुआ है मिरर के अंदर, वो काफ़ी अच्छा लग रहा है। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे होगे XL6 की बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी दे रखी है। दोस्तों इसमें आपको सीट एडजस्टेबल मिल जाती है, हाइट एडजस्टेबल सीट दी हुई है इसमें। दोस्तों इसमें आपको 4 पावर विंडो मिल जाते हैं, लॉक अनलॉक के लिए दिया हुआ है, मिरर को एडजस्ट करने के लिए यहाँ ऑटो फोल्ड का ऑप्शन दिया हुआ है और जो सिल्वर में इसमें हैंडल मिल जाता है आपको, 1 लीटर बोतल होल्डर मिल जाता है इसमें और पर्स वगैरह रखने के लिए स्पेस दिया हुआ है। और दोस्तों जो इसमें डैशबोर्ड दिया हुआ है वो बिल्कुल हार्ड प्लास्टिक दिया हुआ है, यहाँ आपको वुडन फिनिश मिल जाती है। देखने में जो आगे का जो इसका इंटीरियर है वो बिल्कुल प्रीमियम फील करवा रहा है। इसमें जो इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया हुआ है वो काफ़ी अच्छा है और जो इसमें पियानो ब्लैक और वुडन का डिज़ाइन दिया हुआ है उससे गाड़ी की खूबसूरती और इन्हेंस हो जाती है। इसमें आपको ऑटो में AC मिल जाता है यहाँ पार्किंग के लिए। जो इसमें दोस्तों जो AC का डिज़ाइन का जो इसमें AC के ब्लोरों का डिज़ाइन दे रखा है वो देखने में काफ़ी प्यारा है। दोस्तों यहाँ आपको ग्लोबॉक्स मिल जाता है, ग्लोबॉक्स का स्पेस काफ़ी अच्छा दिया हुआ है। इसमें आपको 6 एयरबैग मिल जाते हैं। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हो कि यहाँ आपको 2 कप होल्डर मिल जाते हैं, यहाँ आपको कूलिंग के लिए भी ऑप्शन दिया हुआ है, काफ़ी अच्छा ऑप्शन है कि भाई जैसे कप जो गिलास होंगे वो बोतल रखी होगी तो कूल रहेगी, काफ़ी अच्छा फीचर दिया हुआ है। दोस्तों यहाँ आपको आर्म रेस्ट मिल जाता है, आर्म रेस्ट को आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ आपको USB के लिए पोर्ट दिया हुआ है, यहाँ 12V की सॉकेट का पोर्ट दिया हुआ है, यहाँ आप अपना पर्स वगैरह रख सकते हैं। जो दोस्तों इसमें जो स्टेयरिंग का डिज़ाइन दिया हुआ है वो देखने में बहुत ही प्यारा है, यहाँ आपको वॉल्यूम अप डाउन के लिए, म्यूट के लिए, फ़ोन उठाने काटने के लिए, यहाँ दोस्तों आपको क्रूज कंट्रोल मिल जाता है। और दोस्तों जो इसमें मारुति का इस वाले उसमें आपको इसका डिज़ाइन स्टेयरिंग के अंदर मारुति का जो लोगो है वो काफ़ी प्यारा लग रहा है।
जो दोस्तों इसमें मीटर का डिजाइन दिया हुआ वो भी देखने में बहुत ही प्यारा लग रहा है। यहाँ आपको सीएनजी में सेट करने के लिए मिल जाता है, यहाँ स्टैक्शन कंट्रोल मिल जाता है आपको, यहाँ आपको डेड पैडल मिल जाता है। दोस्तों यहाँ आपको जो इस गाड़ी के अंदर था स्पोर्ट है वो काफी अच्छा दिया हुआ है। यहाँ आपको टिकट होल्डर मिल जाता है, यहाँ आपको मिरर मिल जाता है, यहाँ आप सनग्लास होल्डर सनग्लास रखने के लिए दिया हुआ है, यहाँ माइक वगैरह लाइट दी हुई है। पीछे दोस्तों आपको एसी के ब्लोअर मिल जाते हैं चार चार। मैं आपको पीछे आइए दोस्तों, मैं आपको पीछे और दिखा देता हूँ पीछे आपको कितना स्पेस मिल जाता है। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे होंगे इसमें काफी अच्छा स्पेस दिया हुआ है, मेरे बैठने के बाद भी काफी स्पेस बचा हुआ है, स्पेस की किसी प्रकार की गाड़ी में कमी नहीं है। ये सिक्स सीटर के अंदर है, जैसा कि आप देख रहे होंगे इसमें कैप्टन सीटें मिल जाती हैं आपको, और दोस्तों यहाँ आपको एक चार्जिंग का पोर्ट मिल जाता है, और जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हो पीछे भी आपको एसी का ब्लोअर दिया हुआ है, उसको आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। और जो इसमें हेडरेस्ट दिए हुए हैं सारे के सारे, उनको ना अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ भी आपको आर्म रेस्ट मिल जाता है, काफ़ी अच्छा फीचर्स दिया हुआ है। दोस्तों यहाँ आपको पावर विंडो मिल जाता है, यहाँ क्रोम में हैंडल दिया है, यहाँ नीचे आपको 1 लीटर बोतल होल्डर मिल जाता है, इसमें आपको 4 स्पीकर दिए हुए हैं। और दोस्तों पीछे जो स्पेस दिया हुआ वहाँ भी आप गिलास वगैरह रख सकते हैं, और यहाँ भी पीछे भी आपको चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है। और ये सीटें लौटाने के बाद काफ़ी अच्छा स्पेस निकल के आता है गाड़ी के अंदर, काफ़ी अच्छा फीचर्स दिया हुआ है। दोस्तों ये भी फोल्ड करने के बाद आप अपने बड़े बड़े सूटकेस आराम से रख सकते हैं इसमें। दोस्तों ये 1500 सीसी के अंदर आते हैं और 4 सिलेंडर के अंदर, और जो इसकी मैक्सिमम पावर है वो 87 BHP की है और मैक्सिमम टॉर्क 121 Nm का है, और जो कि काफ़ी अच्छी पावर निकाल के देता है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।